तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मुझे भूख लगी है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी तुम्हारे लिए बड़ा खरगोश लेके आएंगी। माँ बच्चों, क्या तुमने मुझे याद किया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, बहुत, पर खाने को ज्यादा याद किया। मुझे माफ कर देना, आज शिकार बुरा रहा, मुझे कुछ नहीं मिला। पर रो मत, तुम्हारे पिताजी बाहर शिकार कर रहे हैं, वो कुछ लाएंगे। हमारे शिकार का मैदान अब छोटा हो गया है। पर बाकी सबको खाने मिलता है। हाँ, उन्हें मिलता है। माँ, क्या राइना और बगीरा कहीं और शिकार नहीं कर सकते? नहीं सिम्बा, हर शिकारी का अपना एक इलाका होता है, वो वहीं शिकार करता है। आपको कैसे पता है कहाँ है? मुझे लगा तुम्हें पता होगा, हर शिकारी की अपनी सीमा रेखा होती है और बाकी किसी को उस सीमा में जाने की इजाज़त नहीं होती। छोटे बच्चे भूखे हो क्या तब भी? हाँ तब भी, जंगल के नियम सबके लिए समान है, जो इलाका पहले कब्जा करेगा वो उसी का इलाका होगा। कहाँ हो सब लोग, ध्यान से सुने, मेरे पास सभी के लिए एक जरूरी खबर है। कहाँ? तुम सबको नदी के उस पार वाला वो बूढ़ा शेर तो याद है ना, है कि नहीं? बेशक, पर मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा। तुम्हें उसका इलाका याद है? वो तो जंगल का सबसे बड़ा इलाका है। बिल्कुल सही कहा, और उसने बहुत साल तक वहाँ पर राज किया और ये सबको याद रहेगा। पर कल रात वो चल बसा। नहीं, माफ कीजिए हुजूर, लेकिन ये जरूरी है। हर दिन तुमने मेरी नींद उड़ा दी है, इसलिए मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। अब बताओ, क्या तुम्हें यकीन है ये जरूरी है? बताओ। वो बूढ़ा शेर चल बसा। मुझे लगा था ये कभी नहीं हो सकता, ये तो कमाल हो गया। अब मैं बिना झगड़े के उसके इलाके पे कब्जा कर लूंगा। जी हुजूर। क्या ये सच है कि वो बूढ़ा शेर अब नहीं रहा? हाँ, वो नींद में ही चल बसा। वो बहुत बुद्धिमान था, पर वो अपना इलाका संभालने के लिए बूढ़ा हो चुका था। मुझे उसकी याद आएगी। पर अब उसके इलाके का क्या होगा, अब तो वो नहीं रहा। माँ का तुम शिकार करने नहीं जा सकते? नहीं बच्चे, वो इलाका हमारा नहीं, पर किसी को तो उस इलाके पे कब्जा करना होगा, क्यों ना तुम और बघीरा करो। तुम सही हो, तुम्हें और जगह भी मिल जाएगी, रायना हमें जल्दी करनी होगी। अगर किसी ने पहले कब्जा कर लिया तो रायना वहाँ शिकार नहीं कर पाएगी ना। बघीरा कहाँ है, बोलो। कह नहीं सकती, पर वो शायद काफी दूर शिकार करने गए हैं। वैसे मुझे यकीन है कि वो चाहेगा हम आगे जाएं। फिर कभी भूखे नहीं रहोगे। अब बातें बंद करते हैं और चलते हैं। कौन जाना चाहता है? तो तय हो गया, हम सब जा रहे हैं, पर बच्चों तुम सब हमारे साथ रहना। चिंता मत करो, काम बन जाएगा। मुझे उम्मीद है बलू, बहुत शर्मनाक होगा अगर किसी और ने उस इलाके पे कब्जा कर लिया। चलो, बहुत देर हो रही है। तुम बच्चे वहाँ बहुत मजे करोगे। क्या हुआ है मैना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर मेरे पास एक बुरी खबर है। हमें पता है कि वो बूढ़ा शेर नहीं रहा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये खबर ज्यादा गंभीर है। हम सुन रहे हैं, तुम आराम से बताओ हमें सारी बात। हाँ ठीक है, आज सुबह जब मैं उठी और तीनों बच्चों को नदी के किनारे गाना सिखा रही थी, असल में मैं तीनों बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयारी करवा रही थी, तभी ये हुआ। हाँ, तभी अचानक शेर खान और तबाकी हमारे ऊपर की चट्टान पर आ गए।
देख रहे थे, फिर मैंने उन्हें कहते हुए सुना, इस इलाके के हर पेड़ पर अपना निशान बनाएंगे। ये जंगल बहुत बड़ा है, समय लगेगा। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कितना समय लगेगा, पर मैं सबको दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ का राजा हूँ। सब हमसे जले गए। अब क्या हुआ? हाँ? क्या सोच रहे हुजूर? खास तौर पर बगीरा। वो इतना तेज नहीं है, जल्दी करो। मुझे हर एक पेड़ पर निशान चाहिए। जी हुजूर। तुम क्या बदबू फैला रहे हो? मैं अपनी खुशबू से निशान लगा रहा हूँ। ये खुशबू है या बदबू? पर वो बूढ़ा शेर तो ऐसे ही। मुझे नाखूनों से निशान चाहिए बेवकूफ। चलो जल्दी करो। जी 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 जी। और जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने देखा कि दोनों पेड़ों पर निशान लगा रहे थे और कह रहे थे मेरा है, मेरा है। और ये सही है, उन्होंने सबसे पहले उस इलाके पर कब्जा कर लिया है। तुम्हारा मतलब हमने देर कर दी? ये सही नहीं है, उसे नहीं मिल सकता। अगर शेर खान की जगह कोई और होता तो मैं जाने देती। मुझे पता है वो इसके लायक नहीं है, पर अगर उसने कब्जा कर लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उसे चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस तरह से अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। शेर खान बेवकूफ है, पर वो मुकाबला करेगा। वो डरपोक है, मैं कहता हूँ हमें उसे डरा के भगाना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें अगस्त्या से बात करनी चाहिए, वही कोई सुझाव दे सकता है। मैं बक्शॉट और सैम बाद में मिलेंगे, हमें एलेक्स से मिलना है। ठीक है सिम्बा, वो आज जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने गई है, उसे भी मदद मिल जाएगी। शुक्रिया माँ, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। वादा करो शैतानी नहीं करोगे। ठीक है माँ। ये तो बक्शॉट और उसके दोस्त है। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी शेर खान को सिलाके से भगाने की। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, पर मैं तैयार हूँ। सैम, क्या तुम एलेक्स को ला सकते हो? क्या तुम बीमार हो? नहीं, पर शायद उसके पास कोई तरकीब होगी। मैं चाहता, पर सुबह खेलते हुए मेरे पंजे में चोट लग गई। ठीक है, जाने दो। हे, वो देखो, वो एक गुफा की तरह है। ये सुनो, क्या कोई घर पर है? कोई है क्या? मैं एक शातिर शेर हूँ। मैं भूखा हूँ और चिड़चिड़ा भी। मैं उस बुढ़े शेर की आत्मा हूँ। हम इससे शेरखान को डरा सकते हैं? मुझे नहीं पता, पर ये मजेदार लगता है। कैसे हो दोस्तों? आर्बर, तुम वही बच्चे हो जिनसे मैं मिलना चाहता था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए शेर खान को डराने के लिए। चौंको मत दोस्तों, शेर खान पूरे इलाके को खराब कर रहा है। मैं ऐसे ही बैठकर ये तमाशा नहीं देख सकता। तुम लोग मेरे तने के अंदर बैठ क्यों नहीं जाते? फिर हम उस बूढ़े शेर के इलाके में जाएंगे, फिर शेर खान को डरा कर भगा देंगे। आज हम उस शेर खान के बच्चे को चौंका देंगे। वो आसपास ही होगा, मैं उसके नाखूनों के निशान देख सकता हूं। जल्दी चलो, अभी भी बहुत सारे पेड़ बचे हैं। हुजूर, क्या हम आराम कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, कोई नहीं देख रहा है। ये सब मेरा है। तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है, याद आया? थोड़ी देर आराम कर सकते हो।
नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक ये काम खत्म नहीं करते हम आराम नहीं करेंगे। वाह रे सिम्बा, जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से घुराना। मासा ये बूढ़ा शेर है, वो अपना इलाका बचाने के लिए वापस आ गया है, वो हमारे पीछे पड़ गया है। तुम्हारा मतलब है भूत? वही हो सकता है क्योंकि यहाँ और कोई शेर नजर तो आ नहीं रहा, बस कोई भी नहीं है। चुप रहो भूत, वो कुछ नहीं होता। ठीक है ठीक है, देखो जाकर आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे लगता है कि ये आवाज उस पेड़ के पीछे से आ रही है। उस पेड़ पर निशान लगाना भी बाकी है, जाओ जाकर देखो वहाँ क्या है। लेकिन मैं क्यों जाऊँ? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं निपटता हूँ। शुक्रिया। वो वापस आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। कौन है वहाँ? बाहर निकलो डरपोक। अपनी पूरी कोशिश करो। कौन था वो? मन करो बकवास, दफा हो जाओ। तुम सही कह रहे थे तबाकी, ये बूढ़े शेर का भूत है, पर मैं यहां से जाने वाला नहीं। मैं भूतों से नहीं डरता। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है। हम तुम्हारे लिए आए हैं। हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। हम यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते, पर ये बहुत जरूरी खबर है, हमें लगा कि तुम्हें ये जानना चाहिए। क्या तुम्हारे केले खत्म हो गए हैं? बात तो सुनो। ये जरूरी है, महापंचायत मिलकर तय करने वाली है कि वो इलाका किसको मिलेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर कोई सोचता है कि उसके कहने पे हम यहाँ से चले जाएंगे तो वो बेवकूफ है। मैं भूतों से नहीं डरता, हिम्मत है तो सामने आओ। मुझे लगता है कि उस पेड़ के पीछे से ही आवाज आ रही है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं इसे एक बार में खत्म करता हूँ, हटो सामने से। अब सिर्फ तुम और हम हैं। मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो। मेरे दोस्तों, इस शेर को दिखा दो कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तुम अभी यहाँ हो? बिल्कुल हुजूर। मैं तुम्हारी ईमानदारी याद रखूंगा तबाकी। शुक्रिया। मुझे नहीं लगता ये हार मानने वाला है। हुजूर, वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। अब मैं क्या करूँ तबाकी? आपको पहले महापंचायत में जाना चाहिए था। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, वो मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा।
हमें अब चलना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तबाकी कभी इतना अच्छा काम हमने करेगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। पर बहुत समय लिया। हम सब एक जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बूढ़ा शेर अब नहीं रहा। वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा इलाका छोड़ गया है। इस पर शेर खान, राइना और बगीरा दावा कर रहे हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? सभा को आगे बढ़ाते हैं। हुजूर, ये कोई चाल हो सकती है, हम लोग फंस जाएंगे। मुझे पता है, जब मुझे तुम्हारी राय की जरूरत होगी ले लूंगा। अब जबकि दोनों दल आ चुके हैं, हम सबको अपनी बात पंचायत में कहने का मौका देते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। कौन पहले बोलेगा? क्योंकि अब वक्त आ गया है। शुक्रिया। अब रायना तुम बताओ, इलाका तुम्हें क्यों मिलना चाहिए? हमारे परिवार को खिलाने के लिए हमें इस इलाके की जरूरत है। अब रहने भी दो, तुम बेकार की बातें कर रही हो, है ना? नहीं नहीं, गलत बात है, तुम जाओ यहाँ से। शेर खान, शांत हो जाइए, रायना को कुछ कहना है, सुनिए जरा। शेर खान को ये इलाका देने का कोई मतलब नहीं बनता, वो इसके लायक नहीं है। वो इलाका मेरा है, मैंने उसमें निशान बनाया है। वैसे हम ये इलाका बांट भी सकते हैं क्योंकि वो बड़ा है। मेरा कोई इरादा नहीं इलाका बांटने का, और अगर किसी ने पैर रखा या कोशिश भी की तो मैं उसे मार डालूंगा। आज से वहां कोई पैर नहीं रखेगा, समझ गए? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आप इसको संभालना चाहते हैं? अब चलो, शेर खान को हमारी जरूरत है। सबकी राय जानने के बाद पंचायत ने यह फैसला किया है कि ये इलाका तेंदुओं को मिलेगा। वो इलाका मेरा है, मैं किसी को वहाँ जाने नहीं दूंगा। सब शांत हो जाइए, हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि शेर खान इस इलाके को छोड़ दे और रैना और बगीरा परिवार के साथ अच्छे से रह पाए। अगर हम चाहते हैं कि शेर खान हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए तो हमें पक्की योजना बनानी होगी। शेर खान डरपोक है, उसने जबरदस्ती बूढ़े शेर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। हम मिलकर उसे डरा के भगा देंगे। सही कहा। हम अपने दोस्तों के साथ मदद के लिए पहुंचने वाले हैं, हम उसे देख लेंगे। शुक्रिया हाथी, हमें उस पागल शेर को डराने में बहुत मजा आएगा। हमको भी। चलो चलते हैं। हाँ, आप वहाँ रहे, आपने कमाल कर दिया हुजूर। देखो,
ये क्या गड़बड़ है? याद रखना, हम बस उसे डरा रहे हैं। बस अब उसे जाने दो, लगता है उसने काफी सबक सीख लिया। मुझे पता था हम उसे डरा देंगे। वो तो डरपोक निकला। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सब हमारे दोस्तों की वजह से हुआ। क्या तुम हमारे साथ आके खेलोगे सिम्बा? चलो ना सिम्बा। हाँ जरूर, हम सब खेलेंगे। एक बार फिर हमारे दोस्तों ने मिलकर काम किया और शेर खान को हरा दिया और जंगल की शांति लौटा दी। इनका नया कारनामा देखने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों।